कुछ नहीं, मेरे खाली हाथ में। और तरक्की करो, बहुत तरक्की करो, ऑलवेज ऑलवेज बी वेरी हैप्पी, वेरी हेल्दी एंड बोथ ऑफ यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। ये तस्वीरें कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें देख सकते हैं कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जब अपने दोस्त दीपेंद्र से मिलने पहुंचे, तो कैसे दीपेंद्र हुड्डा की मां आशा हुड्डा ने उनका स्वागत किया और खूब सारा आशीर्वाद भी दिया। दरअसल रेड्डी का हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पारिवारिक संबंध है, तो वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा से प्रगाढ़ दोस्ती भी है। इसी के मद्देनजर बुधवार को रेवंत रेड्डी अपने शपथ ग्रहण से पहले गांधी परिवार से मिलने पहुंचे, तो उसके बाद नई दिल्ली स्थित सांसद दीपेंद्र हुड्डा के निवास स्थान पर पहुंचे। आशा हुड्डा ने रेवंत रेड्डी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि कांग्रेस को मिली इस बड़ी जीत के बाद आप भी अब 5 वर्षों में लोगों का इस कदर दिल जीतने का प्रयास करना कि फिर तेलंगाना के लोग आपको सदा के लिए अपने दिल में बसा लें। इस अवसर पर रेवंत रेड्डी ने आशा हुड्डा के पांव छूकर उनका आशीर्वाद दिया और आशा हुड्डा ने रेड्डी का माथा चूमा। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने उन्हें हैदराबाद आने का निमंत्रण दिया, जिस पर आशा ने कहा कि उनके दो दो बेटे हैं, फिर भी हैदराबाद नहीं घूमा तो क्या फायदा। यू गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज बी वेरी हैप्पी हेल्दी और ज्यादा तरक्की करो, माँ इतना दे सकती है। यस, व्हेनेवर यू गेट अ टाइम आप हैदराबाद आ जाओ। ओके, अभी तो आप लेके आएंगे, आप लेके चलेंगे, लेके जाना आगे। अब दो बेटियां, फिर भी मैंने अगर हैदराबाद नहीं देखा तो क्या फर्क, वो इसीलिए अब लेके चलेंगे आप हैदराबाद। चलो थैंक यू। आपको बता दें कि अप्रवासी भारतीयों से संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका गए थे, तब उनके साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा के अलावा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी गए थे। कई दिन अमेरिका में एक साथ रहे, जिससे दीपेंद्र और रेड्डी की दोस्ती और ज्यादा खास हो गई। यही वजह है कि इस दोस्ती के चलते रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले दीपेंद्र से मिलने खास तौर पर दिल्ली पहुंचे और उन्हें व्यक्तिगत तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया।